शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है हमारे खिलाड़ी? शॉर्ट टेम्पर्ड अपनी परफॉर्मेंस की, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से नफरत क्यों है इंडियन से? उनको भी तो है ना हमसे। इंडिया से नफरत होनी चाहिए है? इंडिया से नफरत होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है क्रिकेटर्स का आवाम के ऊपर। अमेरिका में जितने भी वहाँ मुसलमान हुए हैं, हमारे घर घरेलू लेक्चर घरेलू माहौल को देख के लोग मुसलमान हुए हैं। हमें मुसलमान के ऐसे से आज ही के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कि इंडिया को भी पता चले, मुसलमानों को पता चले कि मुसलमान के इस तरह भी नहीं इस तरह करना चाहिए। क्योंकि क्रिकेटर्स या कोई भी सेलिब्रिटी है वो एक रोल मॉडल होते हैं लोगों के लिए। क़यामत का दिन होगा ना, तेरे हाजिरी पेशी होगी, तो यही ईसाई, यह हिंदू, यह सिख, यह नसारा, जितने भी पर हुए कहेंगे कि काश के हम मुसलमान होते। मैं तो लड़की हूँ ना, मैं नहीं मानूंगी, लड़के ज़्यादा गुस्से वाले होते। ये था ना तो उनका शोभा इस चीज़ की इजाज़त देता है और ना ये वो पाकिस्तान को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका कहना है मेरी फैमिली के सामने मुझे क्रिटिसाइज़ क्यों किया। भाई आप अपनी फैमिली के सामने भी तो हारे हो ना। हाँ, अपनी फैमिली के सामने भी हारे हैं, पूरी दुनिया के सामने हारे हैं, फैमिली के सामने क्या क्रिटिसाइज़ करना है। पूरी दुनिया ने उनका क्रिटिसिज्म देख लिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुंह से जबानी कलामी बात हो रही थी और हारिस रौफ कह रहे थे ये तो इंडियन है, तो क्या इंडियन समझने की बेसिस पर मारना चाहिए था? नहीं, इंडियन समझने की भी बेसिस पर मारना नहीं चाहिए था। उनको ये किसी इस चीज़ का राइट देता ही नहीं, उनका जो सा प्रोफेशन इस चीज़ की उनको इजाज़त नहीं देता, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके सामने कोई आप इंडियन आपको क्रिटिसाइज कर रहा हो, आप मारने के लिए दौड़ जाओगे? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। आप जबान से जवाब दोगे ना। इग्नोर करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। इग्नोर करना चाहिए, सीखना भी चाहिए। नहीं, सीखना भी चाहिए लेकिन इग्नोर कर देते उनका जो साहब हारिस रौफ को पूरी दुनिया जानती है। तो इस वजह से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात तो सही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं इस तरह करना चाहिए। क्योंकि क्रिकेटर्स या कोई भी सेलिब्रिटी है वो एक रोल मॉडल होते हैं लोगों के लिए। अनएक्सेप्टेबल तो है सर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंडियन है, तो क्या सामने वाला इंडियन होगा, ये लोग मारने कूदने बैठ जाएंगे? नहीं, चाहे कोई भी नेशनैलिटी हो, इंडियन हो, कोई भी अदर नेशनैलिटी का हो, मतलब अगर फिजिकली किसी पे ना, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्रिटिसाइज कर रहे थे ना वो उनको, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं थी, तो हारिस रौफ ने कहा ये जरूर इंडियन होगा, तो क्या इंडियन है ये कहकर मार देना चाहिए उसको? नहीं, मार देना चाहिए उसको, उसने गलत किया। फिर हारिस नफरत क्यों है इंडियन से? उनको भी तो है ना हमसे। ये कहना कि ये इंडियन है चलो भाई मार दो इसको, ये सही है क्या? बात ये ना हुई हो ये बात। बट क्रिकेटर्स आर रोल मॉडल्स फॉर द यूथ एंड द यंग जनरेशन, तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखा जाए तो ही शुडंट हैव अटैक दैट पर्सन। क्यों? अगर वो इस तरह बाकी जो यूथ है, यंग जनरेशन है, जो उनको फॉलो करते हैं हारिस को, तो वो क्या सोचेंगे? तो मेरा ख्याल है कि हारिस नहीं करना चाहिए था और हारिस को एक अपॉलोजी करनी चाहिए कि मैंने जो किया ऐसा नहीं होना चाहिए था और मुझसे जज्बात में हो गया। हारिस रऊफ ने कहा है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती, मेरी फैमिली के सामने मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये बताएं, ये लोग फैमिली के सामने नहीं हारे क्या? इन्होंने फैमिली के सामने मैच नहीं खेला है क्या? पब्लिक तो क्रिटिसाइज करेगी ना, और पब्लिक का तो हक है बोलने का। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे वहाँ पे, उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो पीपल उन पे फूल भी फेंकेंगे। अच्छा अच्छा, उसका ये कहना था, हारिस रऊफ का ये कहना था कि ये इंडियन है, तो क्या मतलब किसी को भी इंडियन कह के ये मार देंगे? इंडिया से नफरत होनी चाहिए, इंडिया से नफरत होना चाहिए। क्या बोला तूने? फखर, अल्लाह को नापस, आज के साथ जिंदगी बसर गरूर गरूर है, गरूर पैदा हो जाता है। खासकर मैंने देखा कि इस बंदे में है गरूर, आल बंदा हारिस रऊफ में। हाँ, आपको कैसे पता? पता है ना भाई, जैसे ऐसे जो एक्शन करता है ना, वो देखते हैं ग्राउंड में। कौन सी एक्शन? बस ये आपको नहीं पता, हमें पता है ना, हमें बेटा तो सही एक्शन बहुत, ऐसे गेंद फेंकेंगे तो ये करेगा, हर खिलाड़ी से ऐसे करेगा, वो ये अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है अल्लाह से ना, ये इंडिया जो है ना मुसलमानों के दुश्मन है। हाँ जी, देखिए आप मुसलमानों के दुश्मन पे आ गए, मैं तो खेल की बात कर रही थी। हमारे खिलाड़ियों के सामने खिलाड़ी हैं, इंडियन खिलाड़ी हैं, हमारे खिलाड़ियों के सामने ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस है, तो क्या ये इंडियन ऑडियंस को देखकर मार कुटाई करना शुरू कर देंगे? वो बंदा कह भी रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कहता नहीं तुम तो हो इंडियन। इस तरह ना देखो ना, हम मुसलमान है, अमेरिका में जितने भी वहाँ मुसलमान हुए हैं, हमारे घर घरेलू लेक्चर घरेलू माहौल को देख के लोग मुसलमान हुए हैं। हमें मुसलमान के ऐसे से आज ही के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कि इंडिया को भी पता चले, मुसलमानों को पता चले कि मुसलमान के इस तरह जीते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप किसी को भी इंडियन कहकर मार दोगे क्या?
जैसे हारिस रऊफ ने कहा ये इंडियन है तो वो उसको चले गए, ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मारना नहीं चाहिए। मुसलमान हम किरदार के साथ अपने लाइफ के साथ अच्छी तरीके से, कोई अच्छा मुसलमान कह रहा होगा हारिस रऊफ वो हम, ये अच्छा बात नहीं है, मुसलमान तो एक बहुत अच्छा करेक्टर है एक बात। वो इंडिया से हो, चाहे वो कनाडा से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, कोई आपके काम को नहीं सराहेगा, कोई कहेगा आप काम नहीं सही कर रहे हो, आपने हमारे उम्मीदों पर आप नहीं सही उतरे हो, तो आप जाकर डंडा लेकर बरस जाओगे। नहीं बेटा ये मैं तो अच्छा नहीं समझता भी, बिल्कुल पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो भी है मशहूर होना चाहिए, हमारे जुनून से हद से ज़्यादा हम पाकिस्तानी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं भाई, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी जुनून से भी ज़्यादा। लेकिन ये लोग अभी जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है ना तो अच्छी नहीं है, तो वो जज्बात में आवाम आ जाती है। मैं हारा ना इंडिया से तो मेरे बच्चे रो रहे थे। याद है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में विन किया था, तो जब ये पाकिस्तान आए थे एयरपोर्ट पे लैंड किया था इन्होंने, तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों लाखों लोगों ने इस्तकबाल किया था डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे जब सरफराज कैप्टन था। तो मेरा ख्याल है कि जब आप बुरा परफॉर्म करोगे तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म एज वेल। तो फैंस ऑब्वियसली दे लव क्रिकेट, क्रिकेट इज़ इन दियर ब्लड, क्रिकेट इज़ दियर पैशन, तो अगर फैंस को बुरा लगेगा फैंस के, और ऑब्वियसली द वे दे परफॉर्म, इंडिया के खिलाफ 119 नहीं चेज हो सका 120 बॉल्स पे, यूएसए के खिलाफ जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी वो तो एक एसोसिएट टीम, तो नई टीम थी, वो एक एसोसिएट टीम है, और जिस तरह उनसे भी ये हारे, और जिस तरह हारिस रऊफ एक 15 रन, एक वर्ल्ड लीडिंग बॉलर जो है वो 15 स्कोर यूएस के अगेंस्ट लास्ट ओवर में डिफेंड नहीं कर सका, तो भाई क्रिटिसिज्म तो आएगा। और आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आपको आपको क्रिकेट बोर्ड माशाल्लाह लाखों पे करता है, 45 लाख तो बाबर आजम अकेला लेता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब आप इतने हैवी चार्ज कर रहे हो और इतना पैसा जो है टैक्स पेयर्स का ले रहे हो, तो डेफिनेटली जब आप बुरा परफॉर्म करोगे तो आप एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तो आपको पब्लिक का क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा, लेकिन उसको इसको अच्छे से एक्सेप्ट करें और कहें कि नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। बात तो सही है। क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, तेरे हाजिरी पेशी होगी, तो यही ईसाई, ये हिंदू, ये सिख, ये नसारा जितने भी पर होंगे कहेंगे कि काश के हम मुसलमान होते। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमानों, जहाँ जहाँ तुम बसते हो, रहते हो, मुसलमान नहीं तमाम लोग इंसान हैं, हमें पूरी इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए। कहीं पर भी कोई जुल्म हो रहा हो, कहीं हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उस सबके लिए दुआ मांगे कि किसी को कोई किसी भी तरह का हर्ट ना हो। सिर्फ मुसलमान इंसान नहीं है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, तमाम लोग इंसान है, यहूदी भी इंसान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और क्रिकेट के मैदान में अपने परफॉर्मेंस से जवाब देना, आगे हाथ उठा के। तो सर इन्होंने अब वहाँ हाथ उठाया है अमेरिका के अंदर, हालांकि ये लोग ना चले गए हैं लंदन वेकेशंस बनाने के लिए, अब जब ये वापस आएंगे ऑब्वियसली आवाम फूलों से इस्तकबाल तो नहीं करेगी, तो क्या यहाँ पर भी किस किस को मारते फिरेंगे ये? नहीं यही है कि देखे, मेरा नहीं ख्याल कि अब और कोई इंसिडेंट होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा, बट ये है कि प्लेयर्स इकट्ठे जब हारते हैं तो इकट्ठे नहीं आते, लेट नाइट एयरपोर्ट पे उतरते हैं, ताकि बैन कराते हैं, ज़्यादा लोग एयरपोर्ट पे ना हो, कोई 2:30 बजे आएगा, कोई तहज्जुद के टाइम आएगा, फजर के टाइम आएगा, कि लोग ज़्यादा ना हों।